नमस्कार दोस्तों, आप सभी को फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल गोल्डन अकाउंट में। और आज का वीडियो होने वाला है बहुत ही जबरदस्त। आज मेरे पास है TZ100 ये वाला ब्लूटूथ स्पीकर जो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, बहुत ही ज्यादा पावर आउटपुट के साथ ही आता है। लेकिन आज इसका हम करने वाला है हालत खराब, क्योंकि आज हमारे पास है सेंस का एक ऑफर जो बड़ा सा मैग्नेट के साथ यहाँ पे आप लोग दिखाई दे रहे हैं। और आज क्या करेंगे, सिंपली जो TZ100 है उसका जो स्पीकर है, दो स्पीकर यहाँ पे होता है, दोनों को कट कर देंगे और डायरेक्ट कनेक्शन करेंगे इस बड़ा वाला स्पीकर के साथ। इसका जो सर्किट है उसका धज्जिया उड़ाने वाला हूँ मैं इसके साथ कनेक्ट करके, क्या हाल होने वाला है इसका देखते हैं। या इस स्पीकर के साथ इसका कुछ भी नहीं होने वाला है, दोनों एक्सपेरिमेंट आज यहाँ पे करेंगे, क्या ये स्पीकर हिलेगा या इसका हालत खराब होगा। तो इसी वीडियो में, तो वीडियो एंड तक जरूर से देखिएगा, अच्छा लगा तो लाइक करके जाइएगा दोस्तों प्लीज, और सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। तो फिर चलिए दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये है TZ100 स्पीकर और यहाँ पे JBL का लोगो भी लगा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल एक नया सा स्पीकर है। और इसका मैंने जो स्क्रू वगैरह है वो पहले से खोल के रखा हूँ ताकि वीडियो लंबा ना हो जाए। और अभी फिलहाल इसको निकालते हैं। निकालने के बाद यहाँ पे देखिए, ये है बैटरी का कनेक्शन जो रेड कलर में है, और ये है स्पीकर का कनेक्शन। तो आज इस स्पीकर का जो कनेक्शन है उसको मैं यहाँ से हटाने वाला हूँ और हटा के इसको लगाने वाला हूँ, ये वाला जो बड़ा स्पीकर है उसको यहाँ पे कनेक्ट करने वाला हूँ। तो जल्दी से जल्दी इसको कनेक्ट कर लेते हैं इस वाला वायर को काट करके। ये हो गया प्लस वाला पॉइंट यहाँ पे, ये देखिए आप लोग प्लस वाला पॉइंट जिसको मैं इसके सहारे लगा रहा हूँ, और ये है माइनस वाला पॉइंट, और ये डायरेक्टली यहाँ पे जाता है। आप लोग देखिए बाहर में कोई नहीं है, और ये जो है बैटरी का पॉइंट और इसका जो है उसको मैंने काट कर दिया। तो अभी कनेक्ट करेंगे, प्ले करेंगे इसमें गाना एक, तो देखेंगे क्या होता है। और अभी इसको मैं कनेक्ट करने वाला हूँ यहाँ पे, तो कनेक्ट हो जा भाई। और ये कनेक्ट हो गया, अभी पता नहीं क्या होने वाला है। इस स्पीकर तो कुछ होगा नहीं इस स्पीकर का, ये तो बहुत बड़ा साइज़ का स्पीकर है, साथ ही रिप वाला स्पीकर है। लेकिन इस सर्किट का कुछ भी हो सकता है, ये स्पीकर बिल्कुल ख़राब हो सकता है इसका जो सर्किट है TZ100 का। हालांकि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल सर्किट है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे इसका जो साउंड आईसी वगैरह है, ये जो छोटा वाला है ये साउंड आईसी है, और ये वाला जो है। और तो देखते हैं अभी क्या होता है, ये आईसी वगैरह हीट होता है या गाना प्ले होता है या ये डायरेक्ट ही ख़राब हो जाता है, यहाँ पर टेस्ट करते हैं। तो गाना अभी मैं प्ले करने वाला हूँ, एक नॉर्मल सा ट्रैक जो ये वाला हो गया। अब बोलिए कितना, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है, ऐसे स्पीकर ऐसे भी अभी तक हिट नहीं हुआ है। तो अभी तक तो सही चल रहा है इसका आवाज़ वगैरह, लेकिन थोड़ा आवाज़ इस पर कम आ रहा है, लेकिन क्योंकि बड़ा सा इसका ऑफर है, ये नॉर्मल वाला स्पीकर नहीं है। तो ऑफर के होने की वजह से यहाँ पे ज़्यादा साउंड नहीं आ रहा है, बेस ज़्यादा आ रहा है क्योंकि ये पावरफुल स्पीकर है। अभी क्या करेंगे, इसको एक्सट्रीम बेस मूड वाला जो मेरा फ़ोन का इफेक्ट है उसको ऑन करके यहाँ पर गाना ट्राई करेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है देखते हैं। एक्सट्रीम बेस मूड यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, मैंने कर दिया एक्सट्रीम बेस मूड। अभी इसका गाना प्ले करते हैं। अभी तो इतना पावर देने के बाद, इतना बेस आउटपुट देने के बाद भी सर्किट के हालत देखिए कुछ भी नहीं हुआ है अभी तक। इसका आईसी वगैरह भी कोई हीट नहीं हुआ है, मैं इसको टास्क कर सकता हूँ, और कुछ भी नहीं हुआ है अभी तक। फिर से एक दूसरा गाना पे ट्राई करते हैं और देखते हैं क्या होता है। तो दोस्तों अभी इसको प्ले करने वाला एक बेस बूस्टेड ट्रैक जो यहाँ पर मैं अभी प्ले करने वाला हूँ, बहुत ज़्यादा बेस के साथ ये है। तो ये इसको यहाँ पर प्ले कर दिया, ये लास्ट स्टेज है, अभी देखते हैं क्या होता है। बहुत ही जबरदस्त देखिए फुल साउंड है। Wow.
तो अभी आप लोगों ने देखा किस तरह से इसका जो रिफ है हिल रहा है, बहुत ही ज़्यादा पावर आउटपुट यहाँ से हो रहा है। टीजी 113 से इसका जो पूरा हिला दिया इस ऑफर को, लेकिन अभी भी बेस बूस्टेड ट्रैक था तो उसके वजह से ये बहुत ज़्यादा हिल रहा था। ऑडियो इफेक्ट ऑन कर लेते हैं एक्सट्रीम बेस मूड में, फिर ये वाला ट्रैक को प्ले करते हैं, देखते हैं और कितना ये इफेक्ट देता है यहाँ पे। अभी देखिए आवाज कम हो रहा है, लेकिन इसका बेस देखिए, बेस अभी तक परफॉर्म कर रहा है अच्छे से। तो अभी तक मुझे अच्छा लगा, और इसका हालत क्या हो रहा है अभी तक, थोड़ा सा यहाँ पे आईसी पे थोड़ा सा हल्का सा हीट मुझे फील हो रहा है, महसूस हो रहा है, लेकिन इतना ज़्यादा हीट नहीं हो रहा है, थोड़ा सा, बिल्कुल एक थोड़ा सा, मतलब आप लोग यहाँ पे टास्क कर सकते हैं। टीजी 113 इसको आराम से अभी तक हैंडल कर रहे हैं। तो अभी दूसरा वाला एक ट्रैक यहाँ प्ले मार लेते हैं, तब देखेंगे, लास्ट टेस्ट यहाँ पे मैं करने वाला हूँ। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं इस स्पीकर का किस तरह से ये हैंडल कर रहा है अच्छे से, और यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ इस टीजी 113 या JBL कॉपी वाला जो स्पीकर है इसका कुछ भी नहीं हुआ। और यहाँ पे एक बात और भी नोटिस करने वाला है, जो यहाँ पे अभी तक 100% चार्ज था और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं तो अभी तक 90% चार्ज है, तो ज़्यादा बैटरी भी यहाँ पे ड्रेन नहीं हुआ है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा एक पावरफुल स्पीकर है सच में। दोस्तों आप लोग जैसे कमेंट करते हैं या हर कोई बोलता है कि ये वाला स्पीकर सबसे पॉपुलर है जैसे JBL का कॉपी स्पीकर है, लेकिन है तो बड़े कमाल की। और यहाँ पे अभी तक मैंने परफॉर्म जो देखा, अच्छा सा परफॉर्म किया इस ऑफर के साथ। 6 इंच का ये ऑफर है, इसका मैग्नेट अगर देखिए कितना बड़ा वाला मैग्नेट है, और कॉइल भी बहुत ज़्यादा हैवी है। लेकिन इस स्पीकर का जो आईसी है सच में बहुत पावरफुल आईसी यहाँ पे दिया गया है, ताकि नहीं तो ये कभी ख़राब हो जाता था, लेकिन अभी ख़राब नहीं हुआ है और अच्छा खासा लास्टिंग भी ये टीजी 113 वाला स्पीकर करते हैं। इसका जो सर्किट है आप लोग नज़दीक से अगर देखेंगे तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, अभी तक स्पीकर का जो सर्किट है इसमें कुछ भी नहीं हुआ है, बिल्कुल सही सलामत है स्पीकर। तो अभी जब भी मैं इसको कनेक्ट करने वाला हूँ तो ये अपने आप बजने वाला है। तो सच में एक कमाल का स्पीकर है टीजी 113 या JBL का कॉपी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर से कीजिए दोस्तों, अभी तक आप लोग नए हैं मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर से कीजिए, और घर में आप लोग ऐसा अगर ट्राई करना चाहे तो कर सकते हैं अगर आप लोगों के पास एक्स्ट्रा कोई स्पीकर वगैरह है। लेकिन इसमें कोई गारंटी नहीं है कि कितना दिन ये लास्टिंग करने वाला है इस ऑफर के साथ या कोई बड़ा साइज का स्पीकर के साथ, लेकिन थोड़ा सा आप लोगों को मज़ा आने वाला है ऐसा करने से। तो आप लोग घर में इसको ट्राई कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते, आप लोगों की मर्ज़ी। तो फिलहाल आज के लिए बाय बाय सबको, जय हिंद।